हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल दी सेलिंग बिस्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और मुझे भी इनकरेजमेंट मिलता है आप चैनल को जब सब्सक्राइब एंड शेयर करते हो आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करने के लिए। तो चलिए ये वीडियो में मैं आप वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो काफ़ी स्पेशल है और बहुत ज़रूरी है कि आप भी आपके नेबरहुड में इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए, खास करके इंडियन वुमेन सीफेयरर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस कर रही है या फिर जो उन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करने वाली है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्या है। सो रिसेंटली ऑन 6th of January 2021 DGS ने एक सर्कुलर निकाला है, उसमें उन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस की है इंडियन वुमेन सीफेयरर्स को MTT की तरफ से। MTT यानी मैरिटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट। सो सर्कुलर चलिए देखते हैं, हम लोग सर्कुलर के थ्रू जाते हैं। मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि सर्कुलर में क्या क्या है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस सर्कुलर का लिंक डालूँगा, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर कीजिए इंडियन वुमेन सीफेयरर्स के साथ ताकि उनको इसका हेल्प हो जाए। तो सर्कुलर है टू ऑल DGS अप्रूव्ड प्रीसी मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और सब्जेक्ट है स्कॉलरशिप टू बी गिवन बाय मैरिटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट टू ऑल इंडियन वुमेन सीफेयरर्स हु आर अंडरगोइंग प्रीसी कोर्सेस इन DGS अप्रूव्ड MTIS फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2020। तो 2020-21 का जो एजुकेशनल ईयर है उसमें अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा स्कॉलरशिप। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पैरा वन इज़ अबाउट द MTT, पैरा टू इम्पॉर्टेंट है। पैरा टू में उन्होंने बताया है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ इंडियन वुमेन सीफेयरर्स के लिए है, बाकी बाकी वुमेन सीफेयरर्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो स्कॉलरशिप सिर्फ MTI के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं एंड उसका ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे कर्सर ब्लिंकर है आप देख सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है DG का इसके पीछे, टू एनकरेज एंड प्रमोट इंडियन वुमेन सीफेयरर्स टू मेक करियर इन सीफेयरिंग प्रोफेशन। देन पैरा थ्री में उन्होंने दी है गाइडलाइंस जो इंडियन वुमेन सीफेयरर्स को फॉलो करनी है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो मैं ओवरव्यू बता देता हूँ इन सब का, आप बाद में इसको रीड थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहली गाइडलाइन तो ये कि स्कॉलरशिप सिर्फ इंडियन वुमेन सीफेयरर्स को एप्लीकेबल है। सेकंड चीज़, स्कॉलरशिप के लिए MTI के थ्रू अप्लाई करना है एंड स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए अलग अलग एनेक्सेस दिए है, साथ ही में कौन कौन से कोर्सेस है एलिजिबिलिटी के लिए वो भी उन्होंने एनेक्सर में इसमें दिया हुआ है सर्कुलर में। एंड इस सर्कुलर में बहुत ऑफिसर्स इंडियन वुमेन ऑफिसर्स एंड रेटिंग्स अप्लाई कर सकती है और स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक पर आप देख सकते हैं, यह अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ पर इंडियन वुमेन सीफेयरर। अब इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए? तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 20th February 2021। सो 20 फरवरी के पहले आपको थ्रू MTI ये एप्लीकेशन सबमिट करना है स्कॉलरशिप के लिए। एप्लीकेशंस जो 20 फरवरी 2021 के बाद रिसीव किए जाएंगे उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सॉफ्ट कॉपीज ऑफ एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एडवांस प्रिपरेशन बाय MTT। सो एप्लीकेशन किसको भेजना है? तो ये एड्रेस दिया है उन्होंने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैरिटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, कंजूर मार्ग, मुंबई। यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है एंड एनेक्सर्स। सो फर्स्ट एनेक्सर है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम मैरिटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट, डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय इंडिविजुअल कैंडिडेट। सो यहाँ पे आपका नाम डालना है, इंडोर्स नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, ईमेल एड्रेस, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स होना चाहिए, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है स्कॉलरशिप के लिए उनका खुद का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, कैंसिल चेक का कॉपी चाहिए इन द नेम ऑफ कैंडिडेट और वो मैंडेटरी है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे आता है MTT की डिटेल्स आएगी यहाँ पे, सॉरी MTI की डिटेल्स आएगी जहाँ पे वो कोर्स कर रहे हैं या फिर कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं इन ईयर 2020-2021 एंड उस कोर्स की डिटेल्स
टोटल ड्यूरेशन क्या है कोर्स का और जॉइनिंग डेट ऑफ कोर्स। उसके साथ आपको MTI जो है रिसिप्ट देगा, उसको अटैच करना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है आप फ्रेशर है या नहीं है। अगर फ्रेशर नहीं है तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी अटैच करनी है लास्ट ईयर मार्कशीट की, और या फिर कोई भी सर्टिफिकेट जो प्रूफ करे कि आपने प्रीवियस कोर्स पास किया है, ये 2019 और 2020 में। एंड वहाँ पे फिर बाद में आपको सर्टिफाई करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है एंड सिग्नेचर करना है। एंड ये MTI के लिए, MTI सर्टिफाई करेगा कि ये कैंडिडेट ने उनके MTI से इंस्टीट्यूशन से कोर्स किया हुआ है। एनेक्शल टू में है लिस्ट ऑफ रिसीव कोर्सेज एलिजिबल फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम मैरिटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट। तो टोटल 8 कोर्सेज है यहाँ पे। फर्स्ट है BSc नॉटिकल साइंस, सेकंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, थर्ड है BE BTEC मरीन इंजीनियरिंग, फोर्थ है प्रीसी ट्रेनिंग फॉर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर्स, देन फिफ्थ है प्रीसी ट्रेनिंग फॉर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिक्स है ETOs, सेवन्थ है प्रीसी ट्रेनिंग फॉर जनरल पर्पज रेटिंग, एंड एट है प्रीसी सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरिटाइम कैटरिंग। देन एनेक्शल थ्री, इसमें रिसिप्ट स्कॉलरशिप के लिए जो आपको फिल करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो रिसिप्ट इज बेसिकली कहता है कि रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम मैरिटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट मुंबई इन माय बैंक अकाउंट नंबर ब्लैंक विथ ब्लैंक नेम ऑफ द बैंक आएगा वहाँ पे थ्रू NEFT अमाउंट ऑफ 1 लाख एज वन टाइम स्कॉलरशिप फॉर अंडरगोइंग प्रीसी मैरिटाइम कोर्स। देन नेम ऑफ द कोर्स है यहाँ पे वो एजुकेशनल ईयर है 2020-21 और आपके MTI का नाम डिटेल आएगा वहाँ पे। देन आपका नेम, इंडोर्स नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस एंड सिग्नेचर। सो गाइस ये बहुत अच्छी चीज़ है इंडियन वुमेन सीफेयरर्स के लिए। सो मैं सारे व्यूअर्स को जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स है और जो नॉन सब्सक्राइबर्स है उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कीजिए आपके नेबरहुड में या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स में अगर कोई इंडियन वुमेन सीफेयरर्स है तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे।